speaking with us and for your time. क्या आपने दिल्ली पुलिस का चार्ज शीट देखा है? हम लोग ने चार्ज शीट देखा नहीं है क्योंकि ऑफिशियली ना हमारे लॉयर को ना हम में से किसी एक्यूज्ड को चार्ज शीट की कॉपी मिली है और मीडिया के कुछ चैनल जो हैं उसके कुछ हिस्से को सेलेक्टिवली पढ़ रहे हैं बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है इसके अलावा ऑफिशियली हम लोगों को अभी तक चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किस एक्यूज्ड के खिलाफ क्या चार्जेस दिल्ली पुलिस ने लगाया है और कौन कौन से एविडेंस दिल्ली पुलिस प्रोड्यूस कर रही है क्या कौन कौन से उसमें आई विटनेस दिल्ली पुलिस प्रोड्यूस कर रही है केस का कोई डिटेल हम लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि चार्जशीट की कॉपी मिली ही नहीं ओके एंड द पुलिस हैव नॉट गॉटन इन टच विद यू येट पोस्ट फाइलिंग द चार्जशीट नहीं नहीं पुलिस ने तो 3 साल में ना कभी फ़ोन किया ना कभी मिलने के लिए आई ना कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया कोई पूछताछ नहीं हुई है पिछले 3 सालों में एक बार जब हम लोग JNU में थे ही जब मैं अपनी PhD लिख रहा था उस दौरान एक बार स्पेशल सेल की टीम आई थी और वो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे एक पेज पे तो बाकी सारे लोगों से वो क्वेश्चन का आंसर फिलअप करवाया और वो सबमिट करके साथ में लेकर के गए हमसे तो वो भी नहीं कराया तो हमारी ना कभी कोई पूछताछ हुई है ना उस तरीके से जो है कोई जिसको कहते हैं जॉइंट इंटरोगेशन हुआ है कोई चीज़ें नहीं हुई है मैं रेगुलर बेल पे हूँ और बार बार हर पब्लिक प्लेटफॉर्म से हमने कहा कि चार्जशीट फाइल कीजिए हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के एलिगेशन से हमको इस एलिगेशन के साथ हमको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ी हम खुद चाहते हैं कि इस मामले में जो पूरा का पूरा बवाल खड़ा किया गया था उसका एक प्रॉपर ट्रायल जो है वो देश की अदालत में हो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि TV पे दिखने वाला आपकी अदालत ही ओरिजिनल अदालत है वो ओरिजिनल अदालत नहीं है ओरिजिनल अदालत इस देश के जो जज हैं उनके सामने जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा एविडेंस सामने रखा जाएगा फिर देश के लोगों को पता चलेगा कि कैसे कुछ स्टूडेंट को टारगेट करके एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल गिमिक किया गया है अपने जो है इमीडिएट पॉलिटिकल लाभ के लिए